बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी तमाम डिटेल अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आज की वीडियो में जी हम आपके साथ रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो मार्केट की कंडीशन है, जो आजकल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है या जो ओवरसीज़ क्लाइंट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक तहफ़ात रखते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको बेहतर लगती है तो आप वो चीज़ जो आपकी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि उसको मज़ीद बेहतर तरीके से लोगों को समझने में आसानी हो सके। रावलपिंडी रिंग रोड को अगर हम डिस्कस करें तो एक मेगा प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है या जो एक रियल इस्टेट की डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड अदा कर सकती है। और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ रावलपिंडी रिंग रोड भी अपना जो उसका पीरियड था, एक कंप्लीशन का पीरियड था जो एक साल कहा जा रहा था, उसको भी मिनिमाइज करके 6-7 महीने पे जो है वो लेके आया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वक्त से पहले कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं इनमें जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है? इस राय को आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि जिन लोगों ने लाइक रोडन इनक्लेव में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों ने रावलपिंडी रिंग रोड के करीब तरीन थली इंटरचेंज के पास फैसल टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सिल्वर सिटी में की है, ताज रेजिडेंशियल में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, इसके साथ साथ यहाँ पर सैफ्रॉन सिटी है, रवात के पास हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इन प्रोजेक्ट के साथ अलाइंड हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ अलाइंड हैं। और आज जो रियल इस्टेट मार्केट में जो आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो बैलेटेड ऑप्शंस हैं, आप उनको ग्रैब कर सकते हैं। आपकी जहाँ पर भी नीड थी, जो आपने स्पेसिफिक एरिया डिफाइंड किया था अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, आज आपको वहाँ पर अगर कोई चीज़ मिनिमम रेट पर मिलती है, बैलेटेड ऑप्शन अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, तो आप वहाँ पर अपनी सरमायाकारी को कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ठली इंटरचेंज के करीब अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो आप वहाँ पर जिस प्रोजेक्ट में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वहाँ पर मौजूद हैं। आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ देखना चाह रहे थे, आज की मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए आप वहाँ पर अपनी बाइंग कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपने वहाँ पर बाइंग कर रखी थी तो उसको मैक्सिमम होल्ड करें ताकि आप जो आने वाला 6-8 महीने हैं उससे एक बेहतर फ़ायदा उठा सकें। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, जिस भी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, अगर वो लीगली अप्रूव्ड है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट ने भी गुजर जाना है और इसके बाद इंशाल्लाह एक बेहतर वक्त ने भी आना है। और रियल इस्टेट में बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो यही की जा रही हैं कि आने वाले 6-8 महीने में आप रियल इस्टेट की जो रेट्स हैं उनमें इजाफा देख सकते हैं। तो रावलपिंडी रिंग रोड के बाद इंशाल्लाह हम गुमान ये करते हैं कि आपके जो मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें ठली इंटरचेंज के करीब अगर हम बात करें तो फैसल टाउन फेज़ 2 है, सिल्वर सिटी मौजूद है, अप कंट्री मौजूद है, इसके साथ साथ जो है वो अगर हम चक्री रोड की तरफ जाते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अगर आप अभी उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आप वहां से कमा सकते हैं। इसके साथ साथ रोडन इनक्लेव है जो अडयाला रोड और चक्री रोड के दरमियान में वाक़ है, और ये भी इस प्रोजेक्ट में भी आप अपनी अच्छे रेट्स पे बाइंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रवात और चकबेली खान वाला रोड है, यहाँ पर सैफ्रॉन सिटी मौजूद है, आप सैफ्रॉन सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो यानी रिंग रोड की अलाइंड जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, वहाँ पर करने का मौका मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट पे है। देखिए अगर हम कैश की बात करें तो कैश में बहुत सारे मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर 5 मरला अगर हम कैश पे जाते हैं तो वो मिनिमम भी हमें जो है वो 70-80 लाख 90 लाख रुपये तक 5 मरला प्लॉट जो है वो कॉस्ट करता है। आबादी के करीब तरीन की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको 70-80 लाख 90 लाख रुपया जो है वो 5 मरला प्लॉट की कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी रेट्स में जो है वो कमी मिलती है और आप जो है वो कम से कम रेट के साथ यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और 2-4 साल आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो एक अच्छी अर्निंग आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। रियल इस्टेट की हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि वक्तन फवक्तन आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह आगे भी आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या राइजोनिक मार्केटिंग के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।